हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, मेरी बैक वीडियो में मैंने आपको नॉट कैसे बनाना है वो बताया था। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको लटकन जो होते हैं हमारे सिंपल वाले लटकन जो आप आसानी से बना सकते हैं, तो ऐसे वाले लटकन आप कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। अब देखिए आपको जितना भी बड़ा छोटा लटकन चाहिए उस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। ये नहीं है कि इसमें मेजरमेंट चाहिए, आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपका लटकन कैसे बनेगा। ठीक है, साइड का कपड़ा आपको कट कर देना है। ये बिल्कुल अच्छे से स्क्वायर में पीसेस बन जाते हैं। अगर आप इसको मेजरमेंट से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मेजरमेंट भी मैं आपको इसकी बता देती हूँ, अगर आपको इसी टाइप के लटकन को बनाना है तो। ठीक है, तो देखो 4x4 का कपड़ा है। ठीक है, 4x4 का कपड़ा है, आप इस तरह से इसको कट करके बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक अस्तर फैब्रिक एक मेन फैब्रिक दोनों को लिया है, क्योंकि ये ब्रॉकेट का कपड़ा है और ब्रॉकेट का कपड़ा जो होता है खिंचता है तो धागे निकल जाते हैं इसके, इसीलिए हमको इसको अस्तर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अस्तर का भी मैंने फैब्रिक इसमें लिया है। अब देखो अस्तर का फैब्रिक को थोड़ा सा कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ दो लटकन बन के आपके रेडी हो जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, सिर्फ हमको अस्तर को इसके साथ जोड़ देना है, जैसे हम रेगुलर अस्तर को साथ में जोड़ते हैं। इस तरह से आपको सिर्फ अस्तर को साथ में जोड़ना है। ऐसा करने से आपका जो ये कपड़ा है ये बिल्कुल खराब नहीं होता, आप किसी भी तरह इसको मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप मोड़ देंगे एक बार, ये देखो इस तरह से आपको इसका शेप करना है। अगर आपको अलग टाइप का लटकन चाहिए जो रेगुलर जैसे ही बनता है वो आप मैं एक में आपको रेगुलर बता देती हूँ और एक में आपको उस तरह से बता देती हूँ। तो ये देखो रेगुलर के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अब यहाँ पर मैंने जो नॉट बनाई थी बैक में, जो मेरे बैक वीडियो थी उसमें, तो वही नॉट मैं आपको यहाँ पर लेकर बता देती हूँ। तो इस वाले नॉट के मैं दो इस तरह से टुकड़े बना दूंगी अलग अलग, ये वाला इसके लिए हम बनाएंगे, ये वाला इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ये जो सीधी साइड है इसको ऊपर की साइड में रखना है, नॉट को आपको इस तरह से रखना है, हल्का सा ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि एक जैसा आपका कपड़ा यहाँ पर होना चाहिए और आपकी नॉट जो है अच्छे से इस तरह से आ जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। देखो यहाँ पर आपने ये रख लिया, अब आपको इस वाली साइड को हल्का सा इस तरह फोल्ड करना है। अब एक्स्ट्रा जो आपको दिखता है फैब्रिक इसको कट कर देंगे। ये देखो आपको इस तरह से कट कर देना है और अब हम इसको जो है बाहर की साइड में फोल्ड करेंगे। यह आपका बिल्कुल रेगुलर लटकन है, आप इसको ब्लाउज में या फिर अपने लहंगे में बना सकते हैं। और अस्तर लगाने की वजह से इसमें जो टाइटपन है वो भी आ जाता है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दबेगा नहीं, फुला हुआ लगेगा और बहुत सुंदर लगता है। ये देखो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए। तो इस तरह से आपके ये लटकन बन जाएगा। आप अंदर की साइड में भी देख सकते हैं, ये जो हमने फोल्ड करके रखी है ये वाली साइड भी इसमें अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप रेगुलर का लटकन बना सकते हैं। अब ये जो दूसरा लटकन है इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको फिर से एक बार अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है, साइड से सिलाई लगा देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी ऐसे ही सिलाई लगाकर इसको फिट कर लिया है। अब एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये मैं थोड़ा अलग टाइप का बता रही हूँ, ये भी बहुत आसान है बनाने में। अब आपको इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करने के बाद ये वाला कोना जो है इस वाले कोने से मिला देना है। ठीक है, ये अभी डबल फोल्ड है। अब ऐसा करने से एक बार फिर से फोल्ड हो जाएगा और फिर से यहाँ से ये कोना उठाकर इस वाले कोने तक, ये दोनों कोने आपस में मिल जाने चाहिए। ये देखिए इस तरह से अब आपको यहाँ पर इस वाली नॉट को रखना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कोने की साइड को, खुली हुई साइड को हम ऊपर इस तरह से रखेंगे, हल्का सा बाहर निकाल के रखेंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा आपको कपड़ा लग रहा है वो आपको कट कर देना है। आपको सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं करनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, अब हम इसको बाहर के साइड में फोल्ड कर देंगे इस तरह से।
ये देखिए बहुत बनने में ज़्यादा आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक भी बन जाता है, अलग भी लगता है। ये देखिए इस तरह से बनता है। ये नीचे की साइड आपकी फूली हुई आ जाएगी और ऊपर की साइड में आपको ये डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए तो इस तरह से आप दो टाइप से लटकन को बना सकते हैं आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इसको आराम से बना सकते हैं, बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।